सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने आज कविता को उनका अध्ययन कर लिया है और जो कविता के जो प्रश्न उत्तर हमारे बन रहे हैं जैसे क ख ग, हम इनको आपको बाद में पढ़ाएंगे जब नोटबुक में वर्क कराना होगा इनका। जब अभी हम पुस्तक में कार्य कराएंगे इसलिए पुस्तक में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको इसको पुस्तक में ही करना है आपकी में, इसलिए जो पंक्तियाँ पूरी कीजिए, आपकी जो कविता की पंक्तियाँ थी उनको पूरा करना है इनमें से देख के। ये अधूरी हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं इसके अंदर। रात बनाता, अब इसके आगे की जो है ना रात बनाता यहाँ दिया हुआ है इसमें, जो दिन करता रात बनाता यहाँ लिखना है हमें, जो दिन करता रात बनाता, ये पंक्ति हमारी पूरी हो चुकी है। फिर इसके आगे की देखनी है, सारा जग उसके गुण गाता खड़ी पाई, ये पंक्ति हमारी पूरी हो चुकी है। अगली दूसरी पंक्ति हमें देखनी है पीछे से और इसको करना है, खेत उगाता ऊंचे पर्वत। अब खेत उगाता जो खाली जगह इसके आगे वो यहाँ से हमें देख के बनी, हरे भरे ये खेत उगाए, हमें यहाँ लिखना है हरे भरे ये खेत उगाए ऊंचे पर्वत खूब बनाए खड़ी पाई। हमारी कविता की दोनों पंक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद में अनमन कुछ नहीं वाला क्वेश्चन करना है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, पतझड़ का मौसम किस ऋतु के बाद आता है? पतझड़ का मौसम किस ऋतु के बाद हमें आता है? गर्मी, सर्दी, वसंत, वर्षा। जो सही है हमें उस पर निशान लगाना है, वसंत। दूसरा वाला है, झील तथा नदी में जल देने वाला कौन है? झील और नदी में जल कौन देता है? ईश्वर, मनुष्य, बादल, हिमालय। झील नदी का हमारी जो कविता के अंदर दिया हुआ है, झील नदी का जो दाता झील नदी का जो जल दाता सारा जग उसके गुण गाता, उसके किसके? ईश्वर के। कौन देता है हमें जल? ईश्वर। कविता में इनमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? कीट पतंग का, फूल फल का, सूरज चांद का, गंगा यमुना का। कीट पतंग का वर्णन हुआ है हमारी कविता में, फल फूल का हुआ है, सूरज चांद का हुआ है, गंगा और यमुना का नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे इस पर निशान लगाना है। अब हमें भाषा व्यवहार पढ़ना है। कर, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हमें चित्र पहचानने हैं और उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। ये किसका चित्र है बेटा? नदी, नदी का पर्यायवाची लिखना है सरिता, सरी। ये क्या है चित्र आप देख रहे हैं? ये कौन है? चांद। चंद्रमा, शशि। अब हमने यहाँ तक कर लिया है बेटा, इसको आपको आपकी बुक में करना है। धन्यवाद।